और सिर्फ एक ही बची हुई चीज उनको एक बार अगर मुझसे कोई जबान से अगर कोई वादा कर रहा आप तो अपनी जगह जवाब मेरे को मान देना बस दूसरी बात मेरे को बोलने की इंशाल्लाह मेरी तरफ से तो 100 वोट नहीं बोलता मैं मेरे एक वोट की बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह पूरी कोशिश अक्सर साथ देने का नहीं है नासिर साहब को हम ये सोच के इनके साथ चल रहे हैं कि हमारे आगे एक रहबर बोल के चल रहे हमारी मंजिल को पहुँचाने वाला शख्स बोल के हमारी उम्मीद है और मेरी अब जरूरत नहीं है आप ही लोगों की जरूरत है आपके दोस्त अहबाब बहुत ज्यादा रहते उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ आप आगे बढ़ के हमें जरूरत नहीं रहना कि आपको बोले आप हमारे को बताना भाई आप आके मिलो अच्छी है आपकी कामयाब के अंदर बहुत अच्छी कोशिश है जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत है परवाज़ मगर रखती है आप लोग अगर साथ देने का वायदा करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं जब तक हूं आपके लिए मजबूती से खड़ा रहूंगा आपकी आवाज़ बन के ऐवान में गूंज खामोश बैठने वाला नहीं कन्नड़ा आती मेरे जी जी अभी आप भरपूर कोशिश करेंगे लाने वायदा है शुक्रिया दुआ में शामिल हाल भी रखे अल्लाह साहब भी के लिए लड़ रहा हूँ उनको अगर उस चीज़ का एहसास नहीं है तो कोई लड़ने लड़ना ही बेमानी हो जाता है तो इसीलिए आपसे पूछने आया हूँ आप अगर इस बार मेरा इंसाफ करते हैं तो आगे बढ़ता हूँ आप भी थोड़ी सी हिम्मत करके हक का साथ देने का ये कीजिए पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं मिल्लत के साथ ना इंसाफी हो रही है वो बात करने के है नहीं कुछ नहीं ये बात क्या भी करना नहीं अपनी कोशिश है बुरा क्या भी करने काम साथ दीजिए इस बार ओके ನಾನು ಸಂಗಮೇಶ್ ರಘುಜಿ ಅಂತ ನಾಸೀರ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಗೊತ್ತದರಿ ರೀ ಆದ್ರೂ ಏನದ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ರೆ ಜಗ್ಗಿ ಕೇಸಿ ಬೇರೆದೇನೋ ಅಂಜಿಸ್ತಿರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ನಿಂತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಖುದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಂದೇಂದ್ರೆ ನಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಾರ ರೀ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೇಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೈ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದಕ್ಕೆ ತಾಯಿದ ಮೇ ಹೂ ಬಾತ್ ಕರ ಹೂ ಹಮಾರೇ ಮೆಹಲ್ಲೆ ಸೇ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಜಿತ್ನೆ ಭೀ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ದೋಸ್ತ ಅಹಬಾಬ್ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಮೈ ಉನ್ಕೋ ಜೋ ಹೈ ನಾ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದಕ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಜಿಕ್ರ ಕರೂಂಗಾ ಉನ್ಕೋ ಜೋ ಹೈ ನಾ ವೋಟ್ ಡಾಲ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ಔರ್ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದಕ್ಕೆ ಜೋ ಹೈ ನಾ ಪಾರ್ಟಿ ದೇಖನಾ ನೀ ಹೈ ನಾಸಿರ್ ಉಸ್ತಾದಕ್ಕೆ ದೇಖನಾ ಹೈ ವೋ ಹಮಾರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ದಿಲ್ ಸೇ ಉನ್ಕೋ ಜೋ ಹೈ क्योंकि ये आदमी काम करते हैं और अच्छे जो है ना सबको रिस्पेक्ट देते हैं छोटा रहने दे बड़ा रहने दे पहचान वाला रहने दे या नहीं पहचान वाला रहने दे आदमी जो है ना इज्जत कर रहे हैं इसलिए जो है ना जितने भी गुलबर्गिया के लोग जो भी हैं उनको जो है ना वोट डालने की कोशिश करें हालात देख रहे हैं ना सब चीज़ हमारे 5 साल लड़ाई देख रहे हैं हर चीज़ में लड़ रहे हैं तो अब वक्त है आप अगर साथ देते हैं थोड़ी सी हिम्मत करके लोगों को बोलते हैं तो हम भी आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह पैसे वालों से उम्मीद नहीं है हमारी मेहनत करने वालों से उम्मीद है अच्छे बुरे वक्त में आ रहा हूँ लड़ रहा हूँ देख रहे हैं आप तो मेरा हक बनता है मेरे साथ इंसाफ करेंगे क्या नहीं करेंगे अब तुम खामोश बैठेंगे किसी को नहीं बोलेंगे इलेक्शन आए अब देखेंगे बोले क्या होता है इलेक्शन के टाइम पे लोग आते हैं नहीं 5 साल कभी नज़र नहीं आते वो लोग आते हैं आके जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश गोश बंद हो रहा खामोश कोविड के अंदर गायब 5,000 गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं नजदीक लिए इसका नुकसान कितना हुआ अड़न के लोगों को पूछो 10 औरतें जेल गई उलमा मार खा रहे हैं केस नहीं कर रहे हैं पुलिसों की ज्यादती बढ़ गई है कोई पुरानी हाल नहीं है नहीं तो कैसा करूँ आप लोग इंसाफ करते बोले तो मेरे को अपना भाई समझ के आगे बढ़ो बोलते आगे बढ़ता फिर साथ दे रहे हैं इस बार वायदा सिर बचाना बोल रहे हैं हालत सिर बचा के क्या नुकसान में बेहतर है आज देखते अब हर चीज़ के अंदर NRC से लेकर हर चीज़ के अंदर जितनी मेरी ताकत बन सकती है आगे बढ़ा हूँ लड़ रहा हूँ तो
अब आना चाहिए ना, अब है इसको यंग मेरे साथ इंसाफ करते हैं, बल्कि वादा करो मैं ठहरता हूँ, वायदा है। परसों आनंद का, फिर उसके बाद में टिप्पू का, ये हर चीज कंटिन्यू मुसलसल सवाल आते हैं। ऐसे हालात में भी आप लोग वो जिनको करना नहीं आती, जो लोग बात नहीं कर सकते, ये फैसले करेंगे तो फायदे का नहीं है। कैसे करेंगे सर? वायदा करें आप साथ में, कि कोई आखिरी मोमेंट में एक ऐसा तबका निकलता है जो सिर्फ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोलना शुरू कीजिए, अल्लाह मदद करने वाला है, फैसले उसके। तो इस बार आप इंसाफ करते मेरे साथ बोले तो ठहरता हूँ इलेक्शन, ठहरा सर, कोई बोले तो बदलेंगे नहीं। ऐसा हो सकता है, कोई बोले तो पलटेंगे नहीं, वायदा कर रहे हैं। आपके दोस्त साहब, आप घर वाले सब लोग, आज उलमाए कराम मार, पुलिस वाले मार रहे हैं, केस फाइल करने की जरूरत नहीं है मुसलमानों में, उनके रिश्तेदार मार खा रहे हैं हुकूमत पे, कंप्लेंट करने की उनके पास ताकत नहीं है एमएलए रहने के बावजूद। अब एमएलए हम सीट बचाएंगे बोल के सीट बचाए, अड़न के 165 लोग जेल गए जिसमें 9 खवातीन हैं, इसके जिम्मेदार कौन? हम ऐसे जो सियासी नहीं हैं, जिनके पास सलाहियत नहीं है, जो लोग इलेक्शन ठेरना चाहते हैं उनको सीट जिताने की नौबत में, आज मिल्लत परेशान है। बिल्कुल नाजर उस्ताद के ताइज में आए हम, नाजर उस्ताद को वोट में इलेक्शन में जिताना चाहिए। नाजर उस्ताद उम्र गई में जो है ना, एक उम्मीद लेकर खड़े हैं, इंशाल्लाह उनको कामयाबी मिलेगी, अल्लाह उनको कामयाबी दिला। नाजर उस्ताद को इसलिए जिताना चाह रहे हैं कि एक मर्द शायद है, और जो है ना इनके अंदर वो हिम्मत है, अमरुल इस्लाम साहब के बाद नाजर उस्ताद के अंदर वो काबिलियत है, तो एक खास उम्मीद रखते हैं पब्लिक उनसे, इसलिए इंशाल्लाह उनको जिताने की कोशिश की जाएगी। वर्गी की आवाम भी इसमें जो है ना शरीक हुए, और सारे लोग उनको जो है ना जिताने की कोशिश में जुड़ जाएं, नासिर उस्ताद को अच्छा खासा सपोर्ट करें। हमारे वो नासिर उस्ताद ही अच्छे है, उनको वोट डालेंगे हम, सुनो कुछ काम के लिए आगे भी आ सकते हैं, एक गरीबों के लिए हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी है तो आगे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे ये है, गरीब लोगों को हेल्प करते बहुत, उनके लिए इसके लिए उनको हम बहुत लाइक करते, और उनको वोट डालेंगे और उनको जिताएंगे, उनको बोल रहे हम नासिर उस्ताद को जिताना है, उनको आगे लिखाना है, इस बार नासिर उस्ताद को जिताना है इंशाल्लाह, वोट भी इंशाल्लाह उनको जिताना है, काम भी करते हैं आगे बढ़कर हर चीज़ में, हेल्प भी करते हैं पब्लिक की, हमको भी हेल्प किए हॉस्पिटल की जब ज़रूरत थी, तो हमारे बहनों को एडमिट करे थे हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर से बात करके 20,000 रुपये कम करे, उन्होंने 1,00,000 कुछ भी ली थी तो 20,000 रुपये कम करे थे। आज हमें एक काबिल आदमी की ज़रूरत है, जो आदमी हमारे लिए सवाल उठा सके और हमारी कौम की शहर की हिफाजत कर सके, क्योंकि आज हम बदते बदतर जगह है, क्योंकि हर जगह पे या पुलिस स्टेशन रहने दे या फिर कोई डिपार्टमेंट रहने दीजिए, हाँ वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं, हाँ इस वजह से आज हमें काबिल नौजवान की ज़रूरत है। कैसा करना हम लोग इलेक्शन, लड़ना नहीं लड़ना? लड़ना ज़रूरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बस आप लोग कामयाब है, ऊपर वाला साथ देता बस। नहीं आप मेरे को वायदा करो, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को आज से आप बोलना शुरू करें, ठीक है इलेक्शन ठहरना हम आदमी की जरूरत नहीं, अल्लाह का फजल है, पूरी बात को चलाएँ, आपकी बात उसका दिखता है, अल्लाह के फजल करम से वंश है, अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह आपकी बात नासिर उस्ताद को जिता के लेंगे, बस पूरे पूरे गुलबर्ग के पूरे जिम्मेदारियाँ हैं मुसलमान की, लाना नासिर उस्ताद को, ये बात बोलो तो सब अच्छे रहते हैं, हर माहौल अच्छा रहता है, किसी से डरने का नहीं रहता, क्या भी नहीं रहता, फिर लाना बिल्कुल बिल्कुल नासिर उस्ताद का साथ देंगे, हालात भी देख रहे हैं, 5 साल हमारी जद्दोजहद भी देख रहे हैं, जी जी इस बार इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, सही फैसला कीजिए, नाजुक हालात हैं, आप लोग नाम के लिए छुपाएं कब बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं, मेरे को दिल से बोलो नहीं साहब अभी अभी हम वोट बोल रहे हैं, बोलते हम भी ज़रा फैसला कर सकते हैं ठहरना का नहीं ठहरना, आप बढ़िया वायदा कर रहे हैं, क्या भाई?